विधायक ना आपके सांसद ना आपके मुख्यमंत्री, फिर भी चाहिए सरकार बीजेपी। वजह बीजेपी सही, सेंटर से काम हो रहा है, मोदी के नाम पे वोट, मोदी जी के नाम पे वोट में नाम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर जी, अंकल जी बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव, आज जुड़ा हूँ फरुखनगर खंड के ऐसे गांव जहाँ से इतिहास बनता है चुनावों के अंदर, गांव खेड़ा खुरमपुर, जो कि ये बताया जाता है ये गांव तय कर देता है कि जीत किसकी होगी। हम आज इस चीज़ की सर्वे में लगे हैं कि भाई आम जनता आने वाले इलेक्शनों में कौन सी सरकार चाहेगी, दक्षिण हरियाणा से या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किस सरकार को बहुमत मिलेगा। हम गांव खेड़ा खुरमपुर के ग्रामीणों से पता करेंगे। ऑन रोड पर ये बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, तो सर्वे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं खेड़ा खुरमपुर गांव से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, आप किस सरकार को चाहेंगे जो हरियाणा प्रदेश में आए अभी? सेंटर में बीजेपी मोदी, और स्टेट में? स्टेट में खट्टर को हटा के कोई भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बीजेपी आ सकती है। नहीं नहीं आएगी। विधायक एक नंबर जीरो पटौदी का जी। जरावता बिल्कुल जीरो, कोई काम नहीं करता, सकल भी नहीं दिखाता, कोई विकास के कार्य नहीं हुए, कोई विकास का कार्य। 9 साल 9.5 साल 9.5 साल के नजदीक जो बीजेपी का कार्यकाल गया उसके अंदर आपके गांव के अंदर कोई कार्य नहीं है, कोई ग्रांट नहीं मिली जी, कोई भी तो। ये रोड है आकूपर से, ये खेड़ा खुरमपुर से आकूपर, कई बार 30 साल हो गए, कई बार रिक्वेस्ट कर ली, शिकायत कर ली, पहुंच भी गए जी, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं, नहीं कोई सुनवाई नहीं। ऊपर आला अधिकारियों से या सांसद जी से कोई कुछ नहीं। हमने जो है ना खट्टर तक पहुंचा दी, दुष्यंत चौटाला से तक दो बार मिले हम, PWD दुष्यंत चौटाला जी से मिले आप? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? बोला मैं देखता हूँ ये PWD में है कि ना, इंक्वायरी करता हूँ। मका जी है जी, है एक वो लड़का है अपना रवि चोपड़ा जी, रवि खुराना जी, उसके थ्रू हम मिले जी। बोला जी PWD में, बोला मैं इंक्वायरी करूंगा, तो PWD मंत्री तो ये अपना है ही जी। अगर बातचीत करे सरकार की तो सरकार आप बीजेपी चाहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना चाहिए बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे। आप क्या ठीक करें, आपकी भी हाँ, ओके सर, आपकी क्या राय? हमारी भी यही राय है जी, मतलब खट्टर नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री चेंज हो, सरकार बीजेपी हो, सरकार भी बीजेपी चाहिए। हाँ। वो खास वजह ये काम नहीं करता, ये खट्टर कभी मुख्यमंत्री काम नहीं करते। विधायक जी से? विधायक जी भी काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, जीरो। तो सांसद जी? सांसद भी नहीं आके देख रहे हुए अभी। आपका तो गांव है जो गोद लिया हुआ है इंद्रजीत ने, कोई काम नहीं किया है ना, एक मिनट, इंद्रजीत ने कोई काम नहीं किया आज तक जी, कैबिनेट मंत्री रहा है जी, कोई काम नहीं किया। आप गोद ले रखे है वो गांव, आप मिले थे उनसे? मिले, खूब मिले, आता रहे। अभी क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि हमारा ना विधायक ना ये MLA ना MP, मतलब जीरो, ना आपका विधायक ना आपके सांसद ना आपके मुख्यमंत्री, फिर भी चाहिए सरकार बीजेपी। वजह बीजेपी सही, सेंटर से काम हो रहा है, मोदी के नाम पे वोट, मोदी जी के नाम पे वोट में नाम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर जी, अंकल जी बैठे हैं। भाई एक बात है, खट्टर ने यह कही थी कि मोदी जो पैसा देगो तो जमींदार ने 2000 रुपया मैं भी अपनी तरफ से दूंगा जी। लेकिन उसने नहीं दिया, सेंटर से पैसे आए, स्टेट से पैसे नहीं, स्टेट से नहीं आया जो खट्टर ने कहा था जी। मतलब सरकार आपको भी बीजेपी चाहिए? बीजेपी चाहिए। आप अंकल जी? हाँ बीजेपी, बीजेपी सरकार चाहिए। लेकिन ये जो अभी जितना मुख्यमंत्री जितना इस एरिया में दक्षिण एरिया से काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ, दक्षिण हरियाणा में जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और वोट दे तो किसको दे जी? तो अभी आप मुख्यमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना चाहेंगे बीजेपी के? मुख्यमंत्री तो कमान ही फैसला करेगा जी, आप लोगों की पर्सनल कोई राय नहीं? भूपेंद्र यादव को दे दो जी, वोट मिलेगी, सरकारी बनेगी भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव आप मुख्यमंत्री चाहते हैं? भूपेंद्र यादव बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आप अंकल जी? यही है, सबकी यही राय है। और कोई गांव की खास ऐसी समस्या जो आज 9.5-10 साल में ना हुई हो या सरकार ना कर पाई हो?
गांव की कोई फिर नहीं हुई, परली साइड ऐसी पड़ी है। और ये हमारा कुपर का रोड है, ये एक बार बढ़ा था मार्केट कमेटी से, उसके बाद बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बोलो जो है पूरा 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 विधायक बाबा जी पूरा विधायक बिमला जी का जिक्र आ रहा है। मैं बताऊंगा, बिमला ने हरियाणा सरकार पे बोझ डाला है, एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ खेतों में, मुआवजा मिला है, बाकी कोई ग्रांट का काम नहीं दिया, विकास नहीं किया। मतलब बिमला आपके लिए फिर भी ठीक थी? ठीक क्या थी, सरकार पे बोझ। बिमला जैसी एमएलए कोई है हुई ना और ना हो इस तक नहीं। हाँ तो आपको, हम तो चाहे हमने चाहिए बिमला बिमला। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई चुप रहो चुप रहो, ए चुप रहो थोड़ी देर चुप रहो, अरे चुप रहो ना, जब चुप रहो थोड़ी देर, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। अब हम बोलेंगे, बिमला जो एमएलए थी वो बहुत बढ़िया थी, कोई नुकसान था और कोई मतलब जो ऐसा कोई किसी ने भी नहीं दिया, इसने मुआवजा बिमला ने दिया। सर सर आप बात कर रहे हैं पूर्व विधायक बिमला जी की, लेकिन जो आम जनता का कहना या सोचना भी यहाँ का है लोगों की सर्वे के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि राव साहब का हाथ उनके सर पे रहा, उस वजह से काम हुए। एक तरफ आप राव साहब को ये कह रहे हैं कि भाई उनका यहाँ आना नहीं हुआ, उन्होंने गांव में विकास नहीं करवाया, और बिमला जी बहुत अच्छी विधायक रही थी अपने कार्यकाल में। ग्रांट दिया है जी, एमपी ने ग्रांट दिया, ये काम की तकरार थी, उसमें ये ग्रांट नहीं मिल पाया। मतलब विधायक जी ने कोशिश की थी? हाँ कोशिश की थी। तो अभी जो प्रेजेंट में आप विधायक है वो किसको चाहेंगे? आप विधायक जो है बढ़िया विधायक हो, ऐसे मतलब जैसा ऐसा ये विधायक, अगर बिमला जी दोबारा मतलब ये बिमला जी दोबारा प्रत्याशी होती हैं तो बहुत बढ़िया है, तो आप उनको ही वोट? बहुत बढ़िया है विधायक, बीजेपी का है तो, बीजेपी का है तो विधायक बढ़िया है। हम तो एक बात कहते हैं जी, ये हमारी रिजर्व टूट गया ना, टूट गई है तो आप नानक चंद जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो इनके 10 साल के पैसा एक पैसों भी ना दे रहा, क्यों सर ना दियो सर, आगे भी ना दे क्यों सर, क्या चगी ना दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? रन ना बोझ मार सर, सरकार किसी चाहिए? सरकार चाहिए हमने बीजेपी की, पर बाकी है कि विधायक और ये एमपी बदलना चाहिए, दोनों ही बदलना, मंत्री बदलना चाहिए, सारे बदलने चाहिए, सारा बदलना चाहिए। एमएलए हमारे बिमला थी, बिमला चौधरी, उसने हमारे को मुआवजा दिवाया, नुकसान का मुआवजा बहुत बढ़िया दिवाया। उसके बाद में जरा होता ने हमारे 5 साल की योजना में कोई काम नहीं करा जी। ना हमारे यहाँ काम करेगा, ना कोई विकास करे, ना काम के नाम पे यहाँ आके कोई उसने सभा की है। अभी तो सर आपके रोड का भी जो है वो टेंडर पास हो चुका है, 30 साल से तो हमारा ये आपको पर वाला रोड है का वो खराब हो रहा है जी। इसमें 3-4 मंत्री आ लिए और विधायक भी आ लिए, एमपी भी आ लिए, किसी ने कोई हमारे रोड की सुनाई नहीं करी सर। आप ये सीएम तक बात पहुँच रही है। आपके एरिए के दिग्गज व्यक्तियों ने भी मतलब काफी बार मान सम्मान जरावता जी का भी किया, तो ये सब लोग दिखावा था क्या सिस्टम? नहीं लोग दिखाए नहीं, हमारे जो लोगों का ये सत्कार जो इन्होंने किया था, सम्मान किया था, तय दिल से किया था, पर जो लोगों ने सम्मान किया था उसका सम्मान का दुरुपयोग जरावता जी ने करा जी। जो हमारे काम नहीं करा विधायक जी ने करा और एमपी जी ने करा, हमारे एरिया के कोई भी लोगों को आके ना कुछ आश्वासन दिया नहीं काम के लिए और काम करा नहीं। विधायक की तो आपको बिमला जी ही, आप सब लोग बिमला विधायक फिर भी ठीक है, इनमें इनमें बिल्कुल ठीक है, 100 की 100 ठीक है जी। अगर जो वो अब की बार आए तो बहुत बढ़िया है, हम तो ये कह आना चाहिए ऐसा आदमी, विश्वास है, उसने विश्वास है, और वो बिना बुलाए हर किसी के घर चली जाए, इनमें जरा होता आज तक नहीं गया किसी के, किसी के मरने पर भी ना जाए। हाँ किसी भी खुशी है मुझे गम ही है। कांग्रेस कांग्रेस और इनेलो जेजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस का भूपेंद्र आया था, भूपेंद्र आज तक 5 साल की योजना में आगे नहीं देखा जी। जो हमारे यहाँ के जींद साइड के एमएलए एमपी लड़ा दे हैं, हमारे यहाँ इतने शेड्यूल कास्ट में भी रिजर्व में भी खूब पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छा आदमी से तो जैसे बिमला है, बिमला ने बहुत बढ़िया काम किया था जी। जब उसकी जितनी पावर थी उसने काम करके दिया, उसने मुआवजा दिवा के दिया, लोगों को हित में खड़ी रही, चाहे उसने करा या ना करा हित में खड़ी रही लोगों के, और अभी खड़ी है। आप क्या कहेंगे कांग्रेस इनेलो जेजेपी? कांग्रेस जीरो है जी, जीरो बिल्कुल जीरो, कांग्रेस जीरो बिल्कुल बिल्कुल जीरो। वजह? हाँ इनेलो जेजेपी बीजेपी ठीक है,
बिमला ठीक है, रोड ठीक, बढ़िया। बीजेपी में भी विधायक के रूप में आपको बिमला चाहिए? हाँ, बिमला जी को जी। चाहेंगे विधायक बने आप? ठीक है सर, विधायक में वो चाहिए बिमला जी, और मुख्यमंत्री हमने भूपेंद्र जी चाहिए यादव। भूपेंद्र यादव आपको मुख्यमंत्री चाहिए? मुख्यमंत्री चाहिए वो, इस नाते से यो है कि वो हमारा सुधार कर भी सके जी। और नहीं बाकी ये इंद्रजीत हुए या कोई भी है, ये हमारा एरिया का कोई सुधार ना करे, ये अपने राजनीतिक चमकाने के लिए जी। और कुछ नहीं, नहीं राव परिवार का तो ये कहना रहा कि सर अपना नाम और जनता का मान हम रखते हैं, इसीलिए राव परिवार की चर्चा है। कोई मान ना कोई मर्यादा नहीं।